दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट 2022 को कंपेयर करके दिखाएंगे किया करेंट्स के साथ। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपने नई 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा भारत में लॉन्च कर दी है, जो किफायती है और ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर भी है और इसका सीधा मुकाबला है किया की करेंट्स के साथ। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों कारों की इंजन के बारे में। नए मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट के साथ 1.5 लीटर की। तो पहले हम बात कर लेते हैं नई मारुति सुजुकी अर्टिगा की इंजन के बारे में। अर्टिगा में 1.5 लीटर K15C इंजन दिया गया है, जो 101 हॉर्स पावर और 136 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है। कंपनी ने इस इंजन को पेट्रोल और CNG ऑप्शन में पेश किया है और वहीं किया ने करेंट्स के साथ 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन विकल्प दिए हैं। इनमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन शामिल है। इनमें से पहला इंजन 113 हॉर्स पावर और 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है। वहीं टर्बो इंजन 140 हॉर्स पावर और 242 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है। तीसरे नंबर पर डीजल इंजन है, जो 113 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। अगर कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अर्टिगा को 8.35 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वही किया करेंट्स की शुरुआती कीमत अब 9.39 लाख रुपए हो गई है। वही माइलेज की अगर बात करें तो नई मारुति सुजुकी अर्टिगा 1 लीटर पेट्रोल में 20.51 किलोमीटर तक चलती है। वही इसके CNG वेरिएंट 26.50 किलोमीटर पर केजी माइलेज देता है। किया करेंट्स का पेट्रोल मॉडल 15.7 से 17 किलोमीटर पर लीटर चलता है। वही डीजल मॉडल का माइलेज 21.3 किलोमीटर पर लीटर बताया गया है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी कार सबसे पसंद आती है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।